माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत बागा बॉर्डर, हुसैनी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, जलियांवाला बाग सहित अमृतसर की यात्रा कर वापस अपने शहर लौटे एसपी को किया तिलक। शिवपुरी जिले के कुछ बच्चे माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत बागा बॉर्डर, हुसैनी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, जलियांवाला बाग सहित अमृतसर की यात्रा कर अपने शहर लौटे और देशभक्ति से जुड़ी इस यात्रा को करने के दौरान बच्चे वहां से मिट्टी भी साथ ले आए, जिस पर तिलक करने आज ये बच्चे शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश्वर सिंह चंदेल के साथ कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के यहां पहुंचे। उन्होंने बलिदान भूमि से लाई गई मिट्टी का कलेक्टर और एसपी को टीका लगाया। बच्चों की देशभक्ति और देश के प्रति सोच को देखते हुए कलेक्टर व एसपी ने बच्चों की सराहना की। बता दें कि जिले के 6 बच्चे यूथ पंचायत के तहत 23 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे थे, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन बच्चों से उन्हें बलिदान भूमियों को शासकीय योजना के तहत घुमाने का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करते हुए कई जिलों से, जिसमें शिवपुरी जिले के 6 बच्चे शामिल थे, 23 अगस्त को ये बच्चे देश के बलिदान भूमि बागा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, हुसैनी बॉर्डर, जलियांवाला बाग और अमृतसर गए थे, जहां पर इन बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखा और बारीकी से देशभक्ति से जुड़ी हुई भावनाओं को समझा। शिवपुरी जिले से गए 6 छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और बलिदान भूमियों से वहां की मिट्टी को एकत्रित कर शिवपुरी लाया गया है। आज उसी वीर भूमि की मिट्टी का बच्चों ने कलेक्टर व एसपी को तिलक लगाया। ये जो मिट्टी है वो बाघा बॉर्डर, हुसैनीवाला बॉर्डर, दोनों बॉर्डर से लाई हुई है, दोनों का मिक्स है। और बोलते हैं यह मिट्टी से तिलक करो, यह मिट्टी है बलिदान की। तो हम ये मिट्टी लेके आए थे सभी को तिलक करने के लिए, कि सब फील करें जो मिट्टी बलिदान की मिट्टी से क्या फीलिंग जुड़ी हुई है। बाकी क्या संदेश देना चाहोगे? जो रियल पेट्रियटिज्म की फीलिंग होती है वो हम लोगों के उबाल पे आई। उधर जाके जो हमने सोल्जर्स देखे, उनका जो जोश देखा, वो जोश देखने लायक था। उससे से हमारे अंदर एक नया जोश उभरा। कितने लोग गए थे आप? हम शिवपुरी से 6 लोग गए थे। तो आपने एसपी को तिलक किया है? जी सर। क्या क्यों करना? सर, हमने एसपी सर को तिलक किया है तो उन्हें हमें ये लगाया है कि जो बलिदान की मिट्टी को हम चूम कर आए हैं, उनसे उन्हें तिलक करने का अनुभव प्राप्त हो, इसलिए हम सर के लिए मिट्टी लाए थे। हम लोग यहाँ शिवपुरी जिले से चयनित होकर पहले यूथ महापंचायत के तहत वहाँ पहुँचकर हमें सीएम महोदय ने यह वादा किया था कि वो हमें माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भ्रमण कराने भेजेंगे। तो उन्होंने वह वादा कायम किया, वो उस वादे पर अटल रहे। 23 जुलाई 2022 में यूथ महापंचायत हुई थी भोपाल में, और फिर एक महीने बाद ही 23 अगस्त को हम लोग यहाँ से निकल गए थे भोपाल से अमृतसर के लिए। हम लोग बागा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर और हुसैनीवाला बॉर्डर का भ्रमण करके आए थे। वहाँ जो एक फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म आती है वो हमने एक्चुअली में फील किया, और उसी को एक्सप्रेस करने हम लोग एसपी सर के पास आए थे। उस मिट्टी से उन्होंने तिलक करने आए थे कि वो भी फील कर सके जो हम लोग करके आए हैं। आप कलेक्टर साहब के पास भी जा रहे हैं? जी, हम उन्हें हमारे ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और यूथ को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आगे और बच्चे ऐसे आएं और अपने जिले का प्रतिनिधित्व करें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर और ऐसे कई बड़ी बड़ी योजनाओं के तहत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितार्थ भार्गव है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एस एस खंडेलवाल, जिला संगठक राष्ट्रीय सेवा योजना, जिला शिवपुरी। आज एसपीओ पे आप मिट्टी लेके आए हो, क्या कुछ कारण रहा, क्या अनुभव? हाँ, ये जो बच्चे आपके सामने मिट्टी लेकर आए हैं, ये यूथ पंचायत के तहत चयनित किए हुए थे शिवपुरी जिले से, और फिर ये बच्चे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी माननीय खेल मंत्री जी के इच्छानुसार ये लोग हुसैनीवाला बॉर्डर, बाघा बॉर्डर और अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए वहाँ पर उसका दर्शन करने के लिए और वहाँ का माहौल देखने के लिए भेजे गए थे। एसपी साहब को इन बच्चों के द्वारा लाई गई वो माटी से तिलक किया, और ये जो वहाँ पर बाघा बॉर्डर से और हुसैनीवाला बॉर्डर से, अमृतसर जलियांवाला बाग से जो मिट्टी लाए थे, उसका तिलक एसपी साहब को किया।